महमूद साहब की जिंदगी की किताब के आज उस चैप्टर पर हम नजर डालेंगे जो हमेशा उनके दिल में किसी कांटे की तरह चुभता रहा, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा और ता उम्र वो अफसोस अंदर ही अंदर उन्हें खाता भी रहा। कहानी है महमूद साहब की पहली पत्नी मधु के संग उनके रिश्ते के बनने की बिखरने की। महमूद साहब ने पहली शादी मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की छोटी बहन मधु कुमारी से की थी। मधु कुमारी 40 के दशक की बॉलीवुड की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्हें बेबी माधुरी के नाम से जाना जाता था, हालांकि उनका असली नाम मलिका था। साल 1945 में आई फिल्म बचपन में बेबी माधुरी ने शशि कपूर के साथ काम किया था। शशि कपूर भी उस फिल्म में बाहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट ही नजर आए थे। साल 1953 में महमूद से शादी करने के बाद मधु कुमारी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। महबूब और मधु के चार बेटे हुए। बड़ा बेटा मसूद अली उर्फ पकी अली, दूसरा बेटा मकसूद महमूद अली उर्फ लकी अली, तीसरा बेटा मखदूम अली उर्फ मैकी अली और चौथा बेटा मासूम अली। महमूद और मधु के बेटे लकी अली एक नामी सिंगर है और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि उनके बड़े बेटे पकी अली उर्फ मसूद अली भी एक्टर रह चुके हैं और कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। महमूद की फिल्म एक बाप छह बेटे में पकी अली ने भी काम किया था। वैसे उस फिल्म में महमूद के सभी बेटों ने ही काम किया था। पकी अली ने साल 1979 में आई हमारे तुम्हारे नाम की फिल्म में भी काम किया था। इसी फिल्म से अनिल कपूर का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली उर्फ मकबूत अली अब इस दुनिया में नहीं है। महमूद साहब जब जिंदा थे तभी मैकी अली की मौत हुई थी। फिल्म कुवारा बाप में महमूद साहब के अपाइज बेटे के किरदार में मैकी अली ही नजर आए थे। और ये भी इत्तेफाकी है कि मैकी अली असल जिंदगी में भी अपाइज ही थे। मैकी अली स्टेज शो किया करते थे और कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी मैकी अली नजर आए थे। बात अगर महमूद और मधु के चौथे बेटे मासूम अली की करे तो मासूम अली ने अपने पिता के साथ इक्का दुक्का फिल्में प्रोड्यूस की थी। हालांकि अब मासूम अली अमेरिका में रहते हैं और वहां रियल एस्टेट का एजेंट का काम करते हैं। ये तो हुई महमूद साहब और उनकी पत्नी मधु के बेटे की बात। और अब जानते हैं महमूद साहब और मधु के रिश्ते में आई कड़वाहट के बारे में, जिसका जिक्र महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद अ मैन ऑफ मनी मेट्स में किया था। महमूद प्यार से मधु को मकड़ी कहा करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई महमूद साहब के दिल फेंक मिजाज की वजह से। महमूद साहब ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि उनका कई महिलाओं के संग अफेयर रहा है था, और इसी वजह से उनके और मधु के बीच मनमुटाव होने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मधु का भी किशोर शर्मा नाम के एक शख्स से अफेयर शुरू हो गया। महमूद और मधु का रिश्ता जब बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो मीना कुमारी की सलाह पर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। बच्चों की कस्टडी महमूद साहब को मिली। जहां महमूद ने ट्रेसी से शादी कर ली तो मधु ने अपने प्रेमी किशोर शर्मा से शादी कर ली। बकौल महमूद साहब, उन्होंने कभी भी अपने बेटों को उनकी माँ यानी अपनी पहली पत्नी मधु से मिलने से नहीं रोका। हालांकि उनके बेटों पर उनके और मधु के तलाक का बहुत बुरा असर पड़ा था, खास तौर पर उनके बड़े बेटे पकी अली पर। पकी अली शराब पीने लग गए थे, वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और पकी अली की फिक्र में मधु कभी कभार तलाक और दूसरी शादी के बाद भी महमूद साहब को फोन कर लिया करती थी। एक दफा जब अपनी फिल्म एक बाप छह बेटे की शूटिंग के दौरान महमूद साहब घायल हो गए और घर पर आराम कर रहे थे तो मधु उनसे मिलने भी आई थी। मधु अपने पति किशोर शर्मा को बिना बताए महमूद साहब को मिलने आई थी। मधु चाहती थी कि महमूद फिर से उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन दे दे, लेकिन महमूद साहब ने मधु को समझाया कि हम दोनों की अलग अलग शादी कर चुके हैं। उस दिन मधु वहां से चली गई, लेकिन महमूद साहब मधु के जाने के बाद खूब रोए। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं दूसरी औरतों के चक्कर में ना पड़ा होता तो शायद आज मधु से मुझे अलग ना होना पड़ता। मधु की मौत का जिक्र करते हुए महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद मैन ऑफ द मेनी मूड्स में बताया था कि साल 1993 में जब मधु की मृत्यु हुई तो किसी ने भी उन्हें और उनके बेटों को मधु की मौत की खबर नहीं दी। मधु के आखिरी सफर में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम तक शरीक हुए थे,
लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि मधु के चार बेटों को भी फोन कर सके। मधु के बेटों को उनकी मौत की खबर उनका अंतिम संस्कार होने के बाद मिली थी। दूसरी पत्नी ट्रेसी से भी महमूद साहब को दो बेटे मंसूर अली और मंजूर अली और एक बेटी गिन्नी अली हुई थे। ट्रेसी के बच्चे भी मधु को अपनी माँ ही मानते थे। मधु भी उन्हें और ट्रेसी मधु को बेटों को अपना मानती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मधु के चारों बेटे अपने पिता महमूद और उनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और घर छोड़कर भी चले गए थे। बेटों की इस नाराजगी की कहानी बताते हुए महमूद साहब ने कहा था कि एक दफा उन्होंने अपने बेटे पक्की अली, लक्की अली और मैकी अली को 6-6 लाख रुपए दिए थे। साथ ही सलाह दी थी कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करो और इनसे और ज्यादा पैसा बनाओ, लेकिन उन तीनों ने भी वो पैसे घूमने फिरने में उड़ा दिए। महमूद साहब को उन पर बड़ा गुस्सा आया। बाद में जब बेटों को पैसों की जरूरत पड़ी तो महमूद साहब ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर तीनों बेटों और महमूद साहब में काफी झगड़ा हुआ। बेटों को लगा कि शायद उनकी सौतीनी माँ ट्रेसी उनके पिता को उन्हें पैसे नहीं दे रही है। महमूद साहब ने यह भी कहा था कि उन्हें बेटों को पैसे हाथ में देने को नहीं चाहिए थे, बल्कि खुद ही उनके नाम से कहीं इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे। एक दफा महमूद के बड़े बेटे पक्की अली ने अपनी सौतेली माँ ट्रेसी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि उस वक्त ये मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद महमूद साहब का बड़ा परिवार बिखर गया। ट्रेसी अपने बच्चों के संग अलग रहने लगी और मधु के चारों बेटे अलग रहने लगे। हालांकि महमूद साहब ने बाद में उनके बीच भी सुलह करा दी थी, लेकिन इस सुलह के लगभग 2 हफ्तों बाद ही महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली की हार्ट अटैक से चलते मृत्यु हो गई थी। वही आपको बता दे कि महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली 40 और 50 के दशक में मुंबई में बहुत मशहूर थे। वह स्टेज पर कमाल की एक्टिंग और डांस करते। उनके 8 बच्चे थे। एक बेटी महमूद से बड़ी और बाकी 6 उनसे छोटी थी। महमूद की बहन मीनू मुमताज और भाई अनवर अली भी फिल्मों में एक्टिंग करते थे। महमूद की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। बाप मुमताज अली का डांस ट्रूप बहुत डिमांड में रहता था। पूरे देश में इसकी परफॉर्मेंस होती। एक बार की बात है कि तमिल मूल के महमूद बचपन से ही फनी थे। एक बार जब घर से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी माँ ने रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर माँ ने उन्हें खूब डांटा। बोली कि घर से भाग रहे हो, ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये भी तुम्हारे बाप के पैसों के हैं। इतना सुनना था कि महमूद अपने कपड़े उतारने लगे थे, मगर महमूद के पिता की कामयाबी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी रही। कामयाबी के साथ शराब का भी नशा मुमताज पर चढ़ता गया और फिर सब तबाह होता चला गया। मजबूरन महमूद और उनकी बहन मीनू का छुटपन में भी काम करना शुरू करना पड़ा था। अंडे बेचे, ड्राइवर बने, बाद में तो मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने जाने लगे थे। यहां उनकी मुलाकात मीना की बहन मधु से हुई। मधु से उन्होंने शादी कर ली। उनके 4 बच्चे हुए और 1967 में तलाक भी हो गया। फिर दूसरी शादी ट्रेसी अली से की। ट्रेसी से उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। महमूद के साथ काम करते हुए कलाकार घबराते थे, क्योंकि शूट से पहले ही वो कभी भी रिहर्सल नहीं करते थे, बल्कि ऑन द स्पॉट अपने अंदाज में ही एक्टिंग करते और डायलॉग बोलते। इसलिए किसी को कुछ नहीं पता होता था कि महबूब क्या करने वाले हैं। उस दौरान किसी एक्टर के लिए तालियां बजती थी तो महमूद थे। जब शूट खत्म होता तो महमूद के लिए जमकर तालियां बजाई जाती थी। उन्होंने करीबन 300 फिल्मों में काम किया। उनकी यादगार फिल्मों में कुछ है भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम, कुवारा बाप। उन्होंने अपने दौर के लगभग सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।